फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी, ये ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड। इसमें आप ये बटन आप होल्ड करेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। अमेजिंग गाड़ी, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका एक्स शोरूम प्राइस यहाँ क्या है? एक्स शोरूम प्राइस की अगर हम बात करते हैं विकास जी, तो ये गाड़ी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विकास। सामने आपको कार दिखी गई होगी, किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे हुंडई वर्ना SX ऑप्शनल। ये पेट्रोल गाड़ी है और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और मैं इस टाइम हूँ कर्मा हुंडई सेक्टर 49 में, और आज इस कार के बारे में जो मुझे बताएंगे। आप जनरली देखते होंगे मेरे का वीडियोस में कि मैं ज़्यादातर पहले अपना वॉक अराउंड करता हूँ, फिर वहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके साथ वॉक अराउंड करता हूँ, तो आज इस कार के बारे में मुझे बताएंगे जलवीर जी। कैसे हैं जलवीर जी? सर आई एम गुड, हाउ आर यू? सब मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको हाय, और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जलवीर चौधरी, मैं यहाँ पे एज ए टीम लीडर काम करता हूँ कर्मा हुंडई में। ओके, मतलब टीम लीडर है? यस, आई एम टीम मैनेजर। टीम मैनेजर सर। ओके, तो मतलब डिस्काउंट ठीक दिला देंगे? नहीं, जिस कार की बात कर रहे हैं अभी डिस्काउंट्स वगैरह तो गाड़ी पे है नहीं कुछ, बाकी लेट्स सी, वी विल हैव ए गुड चैट। मतलब अच्छा ऑफर तो दिलवा ही देंगे? जरूर सर, आपको गाड़ी अच्छे तरीके से देंगे, वी विल डिलीवर इट टू एज सून एज पॉसिबल एंड विद योर रिक्वायरमेंट्स विद ग्रेट ऑफर्स। आई होप सो। चलिए ठीक है जलवीर जी, तो हम बात करेंगे SX ऑप्शनल, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है? यस, दिस इज SX ऑप्शनल इन पेट्रोल। अगर हम इस गाड़ी के इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये 1.5 लीटर पेट्रोल में आपको मिलेगा। अगर हम पावर की बात करें जलवीर जी, तो इसका इंजन जैसा आपने बताया, तो सबसे पहले इंजन ही इसका खोल के देख लेते हैं। श्योर सर, बिल्कुल। तो जलवीर जी को बोला है कि भाई इंजन की बात हुई, तो चलिए इंजन ही ओपन करके देखते हैं कि कैसा रिफाइनमेंट है, क्या डिज़ाइन है। और सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा ऑटो भी चल रहा होगा, बाहर है शोरूम के बाहर वॉक अराउंड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, इसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है, लेकिन वीडियो कंटेंट अच्छा होगा। तो जलवीर जी, इंसुलेशन के लिए? यस, इंसुलेशन के लिए आपको ये अंडर द बोनट आपको मिलता है। प्लस अगर हम बात करें तो इंजन की, इसमें 4-सिलेंडर इंजन है। विद द पावर की बात करें तो यू विल गेट अ पावर ऑफ 115 PS एट द रेट ऑफ 6300 RPM। और इसी की अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो यू विल गेट अ टॉर्क ऑफ 144 न्यूटन मीटर एट द RPM ऑफ 4500। ओके ठीक है, तो इंजन तो भाई पावरफुल है, कहीं भी लेके जाइए, हवा बहुत तेज़ चल रही है, देख सकते हैं आप, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठीक है। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो इसको बंद करते हैं फिर चलते हैं। गर्मी भी बहुत है, बहुत गर्मी हो रही है, बट आपके लिए वीडियो कंटेंट ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको लेके आए। तो पहले बाहर की बात कर लेते हैं, साइड से तो हम देख रहे हैं, इसी साइड चलते हैं क्योंकि जगह नहीं है इधर, इसी साइड आते हैं जलवीर जी। तो इसकी बात करते हैं डायमेंशन की, ठीक है, तो डायमेंशन आप मुझे बताइए इसकी क्या है? डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो आपको इसकी जो लेंथ मिलेगी वो 4440 की लेंथ है, ठीक है, प्लस 1729 का इसका विड्थ है, प्लस 1475 का इसकी हाइट है, ठीक है। और तो, क्या कहते हैं व्हील बेस की अगर बात करेंगे तो व्हील बेस विल गेट इन दिस कार ऑफ 2600 mm का व्हील बेस है, और मतलब काफ़ी अच्छा बड़ी गाड़ी है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है व्हील बेस, जितना ज़्यादा व्हील बेस होगा उतना गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, प्लस आपको लेग रूम एक्स्ट्रा मिलेगा गाड़ी में व्हील बेस के ज़्यादा होने से। ओके, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आई थिंक इसमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट इज़ क्वाइट गुड। हाँ, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हाईवे पे गाड़ी चलाते वक्त अगर ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा होती है गाड़ियों की तो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी का मैटर होता है, इसीलिए मतलब सेडान में तो अच्छी बात है। सेडान में क्या कहते हैं, अगर इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत कम नहीं है, ये भी 165 कम नहीं है, लेकिन ये है कि SUVs जो हैं उनका ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है विकास जी, बाकी सेडान्स जो हैं ये 165 इज एनफ फॉर द सेडान्स। हाँ ठीक है, तो सबसे अब इसके आ जाते हैं टायर साइज़ में आपको टायर साइज़ में सर ये मिलेगा आपको SX ऑप्शनल मॉडल है, इसमें आपको मिलेगा 16 इंच R16 टायर मिलेंगे विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ठीक है। इसमें आगे पीछे दोनों डिस्क है या डिस्क और ड्रम है? आगे इसमें आपको डिस्क मिलेगा, पीछे आपको ड्रम मिलेगा।
ओके ठीक है, आगे आपको आगे वाले टायर में डिस्क है, पीछे आपको ड्रम है, तो स्टेबिलिटी वाइज सेफ्टी वाइज बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी कार है। ठीक है, फ्रंट की बात कर ले एक बार, फ्रंट का इसका लुक तो मतलब फ्रंट जो नया इनका जो अवतार आया है, जो ये नया अवतार है इसमें भैया फ्रंट तो मतलब ये हम इस कार की डिज़ाइन की बात करते तो अभी हुंडई की सेंसोस स्पोर्टी डिज़ाइन कार है, ये वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन इन द वर्ल्ड। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलेंगे, प्योर एलईडी हेडलैम्प्स हैं। ठीक है, डीआरएल भी है, डीआरएल्स हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हैं, आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं। ठीक है, कॉर्नरिंग लाइट्स भी है, कॉर्नरिंग भी है, आई थिंक ये है। ठीक है, और आपको ये इसका ये जो ग्रिल है ना, ग्रिल ग्रिल मिलेगी और विद वाइड एयर डैम, जिससे आप हवा अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, जिससे कि इंजन की कूलिंग वगैरह थोड़ी अच्छी रहती है, परफॉर्मेंस बेटर होती है गाड़ी की। क्योंकि ये देखिए जो इसका फ्रंट डिज़ाइन है ना, मतलब जो ग्रिल है इसकी ग्रिल की चमक ही अलग है। यस, कैस्केड डिज़ाइन है जो हुंडई की सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर डिज़ाइन है हुंडई की, कैस्केडिक डिज़ाइन ग्रिल है। हाँ, तो ये मतलब मैंने ये देखा है कि नॉर्मल कारों में ग्रिल तो होती है सिल्वर, मतलब उसमें क्रोम फिनिश भी होता है, लेकिन इस क्रोम इसकी थोड़ी सी दूसरे कार, yes. कार में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है, मतलब ये क्रोम तो अलग ही लग रहा है, अलग लेवल का है। यस yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसा आप फील कर रहे हैं तो वो मतलब ये सच में। हाँ, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इसको आके एक बार देखेंगे तो They will get something different from other cars. हाँ बिल्कुल, ये मतलब अगर आपने इसको ऑन रोड तो वैसे देखा ही होगा, अगर आपने नहीं देखा है मतलब सामने सामने शोरूम में इतने नज़दीक से नहीं देखा है तो सच में आके देखिए, मतलब आपको इसका अलग ही फील है, एकदम अलग फील है इस क्रोम का। अब चलते हैं इसके पीछे, जलवीर जी देखते हैं साइड, हमने बात करी ली, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं तो साइड में आपको फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं, फिर साइड एंड इंडिकेटर्स, ठीक है, एंड विंडो क्रोम गार्निश मिलती है आपको, प्लस आपको कीलेस एंट्री के साथ में बटन मिलता है डोर हैंडल पे, और ये क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं आपको। ओके अमेजिंग, मतलब क्रोम का काफ़ी अच्छा वो किया गया है, यूज़ किया गया है इसमें। अब पीछे आ जाते हैं तो पीछे से भी लुक कम नहीं है यार, जितना फ्रंट से अमेजिंग है वैसे ही पीछे से भी बहुत अमेजिंग है। यस yes, पीछे की अगर हम बात करें तो आपको सेंसर्स मिल जाते हैं विद पार्किंग कैमरा, चार सेंसर्स हैं विद पार्किंग कैमरा। हाँ, ये है कैमरा आपका, यहाँ आप देख पा रहे हैं कैमरा है और ये चार सेंसर्स हैं, यहाँ पे चार सेंसर्स हैं, और पीछे आपको ये भी LED ही है। yes, आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं इसमें। मेरा कोई वैल्यूएबल आइटम है वहाँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि गाड़ी मेरी ओपन हो, बस सिर्फ डिक्की ओपन हो जाए बाहर से, वो ऑप्शन है? बिल्कुल, वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ये कार की की के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये की देख रहे हैं, इसमें आप ये बटन आप होल्ड करेंगे, ठीक है, कुछ सेकंड्स के लिए, तो आपका बूट ओपन हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो मतलब कि बस डिक्की ओपन होगी, आपके कार के दरवाजे ओपन नहीं होंगे, ठीक है, कार आपकी लॉक ही रहेगी। एक बार जैसे हमने अभी सिर्फ डिक्की ओपन करी है, क्या दरवाजे ओपन नहीं होंगे? एक बार चेक करिए, एक बार जाइए जरा दरवाजा खोलिए कोई। ओके गॉट इट, शार्प पिन एंटीना भी आपको मिल जाएगा, शार्प पिन एंटीना मिल जाएगा, रियर डिफोगर्स मिल जाएंगे, पीछे रियर सनसेट भी मिल जाएगा आपको। ओके हाँ, ये ब्लाइंड भी बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, तो चलते हैं अब इसके अंदर, एक बार चलते हैं तो आप वहाँ से आइए ड्राइविंग सीट से, मैं इधर से आता हूँ। चल रहे हैं अंदर, गर्मी हो रही है भाई, AC चलाएंगे। अंदर का डिज़ाइन तो आपको लग रहा है, जलवीर जी बैठिए, मैं आपको यहाँ से ही सवाल पूछते रहूँगा एज ए कस्टमर, ठीक है। अंदर से तो भाई लुक में, इंटीरियर में बहुत 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 अच्छी लग रही है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। चलते हैं इसके अंदर, अब बैठते हैं और क्या बोलते हैं इसका, एक बार जरा मुझे, ये है स्टार्ट स्टॉप बटन इसका यहाँ पे, ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं ऑन। ये आपका 8 इंच का है, 8 इंच का HD डिस्प्ले आपको मिलता है इस गाड़ी में सर, ठीक है। और जैसा आप देख पाते हैं यहाँ पे 8 इंच का स्क्रीन है, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती है, ये आपको पूरा क्लस्टर डिस्प्ले मिल जाता है इसमें, आपका सारी चीज़ें हैं, सारी ID में सारे फंक्शन है। जैसे मेरा ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ये देख सकते हैं मेरा ये दरवाज़ा खुला है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको MID डिस्प्ले में दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी आपका डोर ओपन है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा फंक्शन है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिजिटल मिल जा रही हैं, टैकोमीटर भी डिजिटल है, स्पीडोमीटर भी डिजिटल है, MT का वहाँ पे आप पेट्रोल देख सकते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर गेज देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, सारी चीज़ डिजिटल है। RPM
आपको मिल जाएगा, प्लस ये स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ये आरपीएम मीटर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें और अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग में क्या बोलते हैं सारी चीजें हैं, क्रूज कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल है, ये ऑडियो कंट्रोल्स हैं, ये वॉइस कमांड का बटन है, ठीक है। और लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है जो कि काफी रिच लुक देता है। और बाकी स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है गाड़ी का, जब आप ड्राइव करेंगे तो यू विल फील इट एट द ड्राइविंग पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी ड्राइविंग रिव्यू जरूर लेके आएंगे हम आपके लिए। तो और यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों हैं स्टीयरिंग? यस, दोनों आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं इसमें। आपको स्क्रीन मिलता है विद मीडिया एंड रेडियो, ये सारी चीजें आपको एंड्रॉइड दोनों के साथ में म्यूजिक सिस्टम कनेक्टेड मिलेगा आपको। ये कनेक्टेड कार होगी अपनी ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उससे भी। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी बहुत धूप है तो जनरली कार्स में ये होता है कि जो आपकी टच स्क्रीन होती है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है धूप में। जैसे नॉर्मल घड़ियों में देखते हैं, जब घड़ी धूप में आप चलाते हो तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसमें मुझे एकदम क्लियर चीज दिख रही है, एकदम क्लियर हर चीज मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। ये मतलब एचडी डिस्प्ले सर, तो इसमें आपको ये क्लियर ही दिखेगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ धूप है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले दिख रहा है वो बहुत अच्छा है। और ये तो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ मूवमेंट है इसकी, ठीक है। नेविगेशन, एडवांस डूलिंग, आपका जनरल यहाँ पे का डिस्प्ले आ गया, मीडिया आ गया, मेन्यू आ गया, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप कलेक्ट वो कर सकते हैं, सेटअप में आ जाएंगे तो आपका होम पेज आ जाएगा, ये सारी सारी चीज़ें हैं। ये मतलब अच्छा डिस्प्ले है इसका, बहुत अच्छा डिस्प्ले है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वायरलेस चार्जर। वायरलेस चार्जर गाड़ी में मिलता है आपको, प्लस एक यूएसबी चार्जर भी मिलता है, फास्ट चार्जर भी मैं देख रहा हूँ, फास्ट चार्जर भी है, प्लस एक 12 वोल्ट का सॉकेट और मिलता है आपको ये, ठीक है जी। ये हो गया, अब ये है टॉप मॉडल। भाई एसी तो आपने चला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी है तो एसी चला दिया, लेकिन अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई एसी तो चल गया तो नॉर्मल है। टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है तो मुझे वेंटिलेटेड सीट भी मिल रही है, मुझे ऑप्शन दिख रहा है। बिल्कुल, ये मेरे साइड पे पहले मैं भी कर दूं अपना, हाँ मैं भी अपना ऑन कर लिया। वेंटिलेटेड सीट, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी, ये ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड जी, ये दोनों आपको फ्रंट वेंटिलेशन सीट्स में मिलेगा आपको। इंडिया में ये बहुत ज़रूरी है, इंडिया में बहुत ज़रूरी है, बाहर बहुत गर्मी है और वेंटिलेटेड सीट में अब थोड़ा सा मतलब ये मेरा फील कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे फील हो रहा है यार कि हाँ थोड़ी थोड़ी अब मतलब अगर 5 मिनट में गाड़ी ठंडी होती है तो ऐसे आप बैठे रहोगे वेंटिलेटेड सीट में तो आप सिर्फ 2 मिनट में ठंडे हो जाओगे। एग्जैक्टली, ये बहुत 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 ज़रूरी था ये, मतलब टॉप लाइन में अगर आपका है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक एसी है ही, हजार लाइट्स यहाँ पे आप मुझे देख पा रहे हैं, यहाँ पर है ही आपका सारा विद आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ही, सारा सब कुछ ऑप्शन है ही यहाँ पे आपको देख रहा है। एयरबैग्स में देख पा रहा हूँ 2 एयरबैग्स और कर्टेन, दो हैं, 4 हैं इसमें। आपको इसमें सेफ्टी फीचर की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिलते हैं, 6 एयरबैग, यस, साइड एयरबैग्स, कर्टेन एयरबैग्स भी मिलते हैं और साइड एयरबैग्स भी मिलते हैं और फ्रंट 2 एयरबैग्स, ये 6 एयरबैग्स मिलेंगे आपको गाड़ी में, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पे रिवर्स में, अच्छा रिवर्स आपको लगाने के लिए आपको इसको थोड़ा सा पुल करना पड़ेगा, उसके बाद लगेगा पुल करके, ओके ठीक है। एक बार कैमरा भी मैं देख लूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके ये आ गया आपका कैमरा, देख सकते हैं आपको विद गाइडलाइंस, कैमरा विद गाइडलाइंस, ठीक है, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्पेस मेस मिल जाती है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट में तो मजा ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक चीज, मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, इसके बारे में बताइए, ये मतलब ये इस टाइम इंडिया में एकदम तहलका मचाया हुआ है, मतलब सब लोग कस्टमर आपके पास आते होंगे तेरी सनरूफ है कि नहीं, बहुत सारी क्वेरी अब आने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको गाड़ी में सनरूफ मिलता है, अमेजिंग यार, ये तो बहुत अमेजिंग है, मतलब सनरूफ देखते ही गाड़ी में ना मतलब मन कर जाता है कि हाँ हाँ यार खरीद लो, भले ही 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे लेकिन खरीद लो यार सनरूफ, अलग ही मजा है इंडिया। ऑब्वियसली सर, थोड़ा सा बच्चों के लिए ये थोड़ी सी एक मतलब एक नई चीज आ गई इंडिया में, पहले हम लोग नॉर्मल गाड़ी लेते थे, फिर सेफ्टी के लिए जाने लगे कि हाँ सेफ्टी है, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सेफ्टी के साथ साथ ये सनरूफ भी इंपॉर्टेंट हो गया है ऑब्वियसली। तो आपके पास भी क्वेरी इसके लिए ज्यादा आती होगी मुझे लगता है। बिल्कुल 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 आती है, ये तो है भी ऐसी चीज ना कि यहाँ से आप देख सकते हैं कर्मा हुंडई, यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं, सनरूफ आपके तो ऐप बंद कर दीजिए, देखिए इसका बंद में ऑप्शन, वाह ठीक है। ये है टिंटेड ग्लासेस है, काफी
टफेंड ग्लास है, टफेंड ग्लास है काफ़ी। और सूरज दादा एकदम ऊपर है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया काफ़ी, और वेंटिलेटेड सीट में तो मज़ा आ गया। यहाँ पर आपका देख लेता हूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, यहाँ पे अच्छी ये कूलिंग वाला, ये है क्या? कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आपको, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। मतलब दिल्ली NCR में है तो आराम से लस्सी रख के पी सकते हैं। बिल्कुल सर, दिल्ली NCR में तो लस्सी बहुत लोग पीते हैं केन में डाल डाल के। चलते हैं पीछे एक बार, जलवीर जी यहाँ पे आपको स्पीकर्स, यहाँ पे आपको स्पीकर्स, ये क्या कहते हैं, चार स्पीकर है और दो ट्विटर आई थिंक। बिल्कुल, दो ट्विटर और चार स्पीकर मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है। अब आते हैं पीछे स्पेस में, हम दोनों लोग बैठ के देखते हैं कि पीछे स्पेस कितनी है। बिल्कुल सर, चलिए भाई बैठते हैं पीछे। अरे वाह, आ गए हैं हम पीछे, अच्छी स्पेस है, थाई सपोर्ट अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। डिटैचेबल आपका ये भी है, यहाँ पर भी डिटैचेबल मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर दोनों। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद कप होल्डर्स, ठीक है, रियर में, और रियर एसी वेंट मिल जाएंगे, प्लस आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा पीछे। ओके, और इसमें जो फ्रंट सीट्स है इसमें सीट बैक पॉकेट्स होती हैं। ये मतलब ये अलग से तो नहीं है, ये मतलब एसेसरीज तो नहीं है इसमें, ये एसेसरीज आती है, ये आपको जिस वेरिएंट में बैठे हैं दिस इज द टॉप एंड, तो इसमें आपको ये मिलता ही है। बिल्कुल ठीक है। और ये एक चीज, नई चीज देख रहा हूँ, ये ब्लाइंड है यहाँ पर, मतलब नॉर्मल गाड़ियों में नहीं मिलता है, तो ये भी एसेसरीज तो नहीं है, आती है? नहीं, एसेसरी नहीं है, आपको इस वेरिएंट में ये मिलेगी, ठीक है। मतलब ये एकदम से धूप इनबिल्ट मिलेगी आपको, इंडिया में गर्मी बहुत होती है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब महंगी मर्सिडीज BMW जैसा ऑप्शन मिल गया आपको इसमें, और क्या चाहिए। पीछे आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है मुझे देखना, तो लेग रूम आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। 5'5" मेरी हाइट है, अभी सीट मैंने अपने हिसाब से आगे एडजस्ट कर रखी थी, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रूम है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'10" है सर। 5'10" है, तो 5'10" में भी आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छा स्पेस, ठीक ठाक आ रहा है। आई एम वेरी कंफर्टेबल। और थाई सपोर्ट आपको ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा है सर। तो मतलब नॉर्मल इंडियन जो हाइट होती है मेरी 5'5" है, इनकी 5'10" है, तो यही नॉर्मल इंडियन हाइट्स होती है, तो इसमें आपको देख सकते हैं कि थाई सपोर्ट भी अच्छा आपका है, थाई सपोर्ट, लेग रूम भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी गाड़ी, और एकदम चिल्ड हो गई गाड़ी, मतलब 5 मिनट हुआ हम लोग को AC ऑन किए हुए, और AC एकदम चिल्ड हो गई गाड़ी गर्मी में भी। AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर, और सच में ये बहुत बहुत मतलब एकदम चिल्ड हो गई। अभी मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है तब भी मुझे एकदम चिल्ड, क्योंकि पीछे इसमें यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पीछे ऑप्शन मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई ये गाड़ी है सच में ज़बरदस्त, बाहर से जितनी अच्छी है अंदर से भी उतनी अच्छी है। बिल्कुल सर, ये हाँ। आप खुद बोलेंगे उस चीज़ को। हाँ सच में, कि मतलब आप अगर यहाँ देखें ना, ये मतलब जो ये लुक है, मतलब ये जो लुक है ना यार, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लुक है, मतलब अमेजिंग लुक आता है। अब यहाँ से भी देखेंगे, पीछे से भी मैं बैठा हूँ तो मुझे एकदम जो स्क्रीन है वो एकदम क्लियर दिख रही है, एकदम HD डिस्प्ले यही होता है सच में। बिल्कुल सर, ये एकदम क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ से भी, मैं बता सकता हूँ कि भाई ड्राइवर साहब जरा वो चेंज कर दीजिए, ड्राइवर साहब जरा ये चेंज कर दीजिए, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो ये हो गए अंदर। अब विकास जी, आप खुद इस गाड़ी में बैठने के बाद एक प्रीमियम फील ले रहे होंगे। सच में मतलब हाँ, प्रीमियम फील तो आ रहा है सच में, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई प्रीमियम गाड़ी में बैठा हूँ। और यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़ायदा होता है, कि आराम से आप उतर सकते हो, मतलब ऐसे आपको ना ऐसे पैर नीचे नहीं रखना पड़ता, आराम से आप उतर सकते हो। तो ये हो गए जलवीर जी, आ जाते हैं बाहर, शार्क फिन एंटीना आप देख पा रहे हैं, तो ये हो गया आपका सारी डिटेल, बाहर से अंदर सारी डिटेल। अब मुझे बुलेट का तो जवाब ही नहीं है, आपको देख लेते हैं डोर्स में भी ये कंट्रोल्स मिल जाएंगे गाजी आपको। हाँ, यहाँ पे भी आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये आपके एडजस्टेबल मिरर्स होंगे, ये फोल्डेबल मिरर्स होंगे, फोल्डेबल का ये ORBM फोल्ड हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे, ये एडजस्टेबल हैं, ये लॉक अनलॉक है, मिरर लॉक करने के लिए, ठीक है। प्लस तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी, अमेजिंग गाड़ी, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका एक्स शोरूम प्राइस यहाँ क्या है? एक्स शोरूम प्राइस की अगर हम बात करते हैं विकास जी, तो ये गाड़ी नोएडा में आइए तब तक 97,500 का एक्स शोरूम प्राइस है गाड़ी का, 12,97,500 इसका एक्स शोरूम है। और अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो ऑन रोड कितना है? ऑन रोड गाड़ी जाती है सर 15,31,202 की गाड़ी है ऑन रोड, विद एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, आपका वारंटी है, जीरो डेप इंश्योरेंस है,
प्लस फास्ट टैग है, रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइस। अच्छा, मतलब लगभग ऑन कोटिंग एंड ऑल दैट। ओके, मतलब 15 लाख में मिलेगी, 15 लाख में, अगर 15 लाख में आपने गाड़ी ली तो इसका आफ्टर मार्केट में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट कार मिलेगी। तो ये भाई 15 लाख में आपको वरना का टॉप मॉडल पेट्रोल 1.5 लीटर आपको टॉप मॉडल मिल रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि बहुत 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 अमेजिंग है, साथ में है। सबसे अच्छी बात तो उसका सनरूफ है, ये बहुत अमेजिंग कार है सच में, लुक वाइज फीचर वाइज में इसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत अमेजिंग कार है। तो अगर आप ये कार लेना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं कर्मा हुंडई सेक्टर 49 में, आप मिल सकते हैं जलबीर जी से, आपसे मिल सकते हैं ना डायरेक्ट में, बिल्कुल डायरेक्ट मिल सकते हैं, आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। तो मैं आप इनका सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ऑफर का तो आपने मुझे शुरू में प्रॉमिस किया है कि आप ऑफर अच्छा दोगे कस्टमर्स को, विल डिस्कस ऑन द टेबल सर। तो ये बहुत अच्छा है, आप आइए, ऑफर्स जो भी उस टाइम अवेलेबल होंगे वो आपको दिया जाएगा, सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी। और मैं मेक श्योर करता हूँ जलबीर जी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई दिल्ली एनसीआर में आपको सबसे बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी, बेस्ट प्राइस मिलेगा, और हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट वर्कशॉप है एनसीआर का आपके आपकी इस बिल्डिंग के पीछे। ओके, सेक्टर 89, मतलब अगर आप शोरूम में गाड़ी खरीद रहे हैं हुंडई की, तो आप जैसा इन्होंने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम सर्विस सेंटर है इनका हुंडई का, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो भाई मैंने रिक्वेस्ट कर दी है जलबीर जी से कि बेटर ऑप्शन दे, बेटर ऑफर दे आपको दूसरे किसी हुंडई के शोरूम से, ठीक है, और वो आप देंगे ही देंगे, हमारे बेस्ट सर्विसेज मिलेंगे। अगर आप एक बार आप एक बार आगे फील आप एक बार आगे सर फील लीजिए, ठीक है, शोरूम का बैठ के देखिए, यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम द अदर डीलर्स। ओके, ठीक है, ये है जलबीर जी, जो इन्होंने सारी डिटेल्स दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जलबीर जी। और अगर आपको ये कार लेनी है तो बिल्कुल विजिट करिए कर्मा हुंडई सेक्टर 49 में। और वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा, सारी डिटेल्स आपको कोई भी अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी गर्मी बहुत हो रही है, अब जाके इसको एडिट करना है, आपके लिए लेके आना है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।